वीडियो लो भाई, चलो शुरू करें। रनिंग देखिए, इस वक्त जो है जो सारा सबसे बड़ा मसला है वो है रूल ऑफ लॉ का। आज जिस तरीके से मजिस्ट्रेट आए हैं, इन्होंने जो है वारंट दिया है, उधर चले जाओ, वारंट दिया है बिल्कुल ठीक, उधर चले जाओ, वारंट दिया है बिल्कुल ठीक है, इज्जत से आए हैं। और मैं जिस तरीके से आपने तकरीर खत्म की है, मैं सीधा घर पे आया हूं, भागने वाला नहीं, केपीके नहीं जा रहा जी। इसलिए रूल ऑफ लॉ के खिलाफ, रूल ऑफ लॉ के हक में इस जुल्म के खिलाफ जो है हम निकले हैं। और ये डायरेक्ट जो ये ऑर्डर लेते हैं, ये डायरेक्ट बाजवा से लेते हैं, वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसने पहले मुझे बेलबास किया, मेरे खानदान के साथ इन्होंने जो किया है। अल्लाह के फजल से मैं सुप्रीम कोर्ट को भी कहता हूं, वकला को भी कहता हूं, निकलें, अपने सेनेटर को भी कहता हूं, पूरी दुनिया के आवाम को कहता हूं कि अगर रूल ऑफ लॉ तुमने करना है तो रूल ऑफ लॉ ये है। इन्होंने वारंट मेरे पास लाए, मैं थाने को खुद हाजिर होने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि तशद्दुद करें, उसके बाद रिमांड लें, उसके बाद जो है तशद्दुद करें, उसके बाद बेलिबास करें, और उसके बाद जो है घर की जो, मैं अपनी तमाम ख्वातीन जो है पूरे मुल्क की उनको कहता हूं कि मैं तुम्हारी जंग लड़ रहा हूं, ताकि फिर किसी सेनेटर को, किसी 74 साल के किसी आदमी को, या किसी पाकिस्तान के शहरी को कानून के अलावा इस तरीके से जो है बेलिबास न किया जाए, और उसकी फैमिली को इस तरह जो है। इसलिए ये जंग खुदा के फजल से कायम है। कोई भी मैंने जुर्म किया उसका तरीका यह है कि मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें, अपनी इन्वेस्टिगेशन करें, और उसके बाद जो सजा है बिल्कुल मैं उसके लिए जो है तैयार हूं। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि इन बदमाशों को सेक्टर कमांडर को जो है ये लेके आए, उनके हुक्म पे चले, कतन खुदा के फजल से ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। Gracias.